समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू द्वारा वार्ड 11 के सपा पार्षद जहीर अहमद को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उस समय पटाक्षेप हो गया जब पार्षद जहीर अहमद ने 24 घंटे के स्थान पर मात्र चंद घंटों में ही शोकाज नोटिस का जवाब भी दे दिया और बिना शर्त माफ़ी भी मांग ली। विदित हो कि वार्ड 11 के सपा पार्षद जहीर अहमद के कुछ फोटोज़ महापौर विनोद अग्रवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। अनुशासन प्रिय सपा महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए 5 जून की सुबह जहीर अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी करके 24 घंटे में नोटिस का जवाब मांगा था। इस बारे में जानकारी देते हुए सपा महानगर अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों को बताया, आज सोशल मीडिया के माध्यम से वार्ड 11 के पार्षद श्री जहीर अहमद जी की कुछ तस्वीरें मैंने देखी, जिसमें उन्होंने महानगर मराठ के महापौर विनोद अग्रवाल के साथ अपने क्षेत्र का भ्रमण किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा साथ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है उनके कार्यालय में भी कुर्सी पर रखा हुआ है। इसलिए मैंने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आपकी निष्ठा जो है पार्टी के प्रति संदिग्ध प्रतीत होती है, कृपया आप 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दें, अन्यथा अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। ये समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं ये पार्षद साहब जो हैं? जी, समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं। तो इस सिलसिले में आइंदा भी जो लोग अनुशासनहीनता करते हुए पाए जाएंगे या जिन पे ये शुबा होगा कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपका रवैया यही रहेगा? जो अनुशासनहीनता करेंगे उन्हें एक बार जरूर समझाया जाएगा, दूसरी बार पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इस बाबत जब पार्षद जहीर अहमद से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सपा कार्यकर्ता थे, सपा कार्यकर्ता हैं और सपा कार्यकर्ता रहेंगे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में पार्षद जहीर अहमद ने बताया, हाँ, अध्यक्ष जी ने जो है नोटिस दिया था और वो नोटिस जो है हमें मिल भी गया है और उसका हमने जवाब इस तरह से दिया था कि हमारे महापौर जो हैं मुरादाबाद के, वो मैंने ठेर वार्ड 11 में निरीक्षण के लिए आए थे, जिसमें कि जब हम मुझे पता चला, जानकारी हुई तो मैं उनके पास पहुंचा और जाने के बाद में कुछ लोग आए, मैं अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा, अपने कुछ लोगों के साथ उन्हें ये बताने के लिए कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है, पानी की ज़्यादा परेशानी है, वो भी पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ एक भाजपा प्रत्याशी पहले रह चुके हैं, वो अपना झंडा लेकर आए और क्योंकि वो बीजेपी के मेयर हैं तो वो झंडा लेकर आए, मैं एक तरफ साइड में चली रहा था, मतलब साइड में था मैं, कुछ लोगों ने आए और आने के बाद में उन्होंने अपना फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया और जो मैंने जो है उसमें नोटिस में अपना जवाब दे दिया है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा और जितने भी मेरे अपने पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई ठेस पहुँची हो तो मुझे क्षमा करना है। मतलब आपका बीजेपी के प्रति कोई झुकाव नहीं है? कोई बिल्कुल किसी तरह का नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मैं मेरा हर एक लहू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हर वक्त कुर्बान है।